हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चॉकलेट सैंडविच की रेसिपी। और अगर आपके पास चॉकलेट नहीं है तब भी ये सैंडविच बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये दो ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, साथ में यहाँ पर मैंने ये 2 टेबल स्पून ये बटर लिया है, और ये अनसॉल्टेड बटर है। अगर आपके पास नहीं है अनसॉल्टेड बटर तो आप ये नॉर्मल वाला सॉल्टेड बटर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर ही मैंने ये अनसॉल्टेड लिया है, इसमें कि नमक नहीं होता है बिल्कुल भी। और इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ चीनी का पाउडर, तो पिसी हुई चीनी का पाउडर यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच के करीब बटर में। और यहाँ पर बटर को मैंने रूम टेम्परेचर पे लिया है, तो बटर यहाँ पर मेल्ट है पहले से ही। और इसके साथ ही डाल देंगे कोको पाउडर या फिर हॉट चॉकलेट पाउडर, जो भी आपके पास चॉकलेट पाउडर है वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये हर्शीज़ का हॉट चॉकलेट पाउडर डाल रही हूँ, आपके पास नॉर्मल वाला है तो वो भी डाल सकते हैं, कोको पाउडर भी डाल सकते हैं, जो भी है यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर ये मैं 1 टेबल स्पून के करीब डाल रही हूँ। सभी चीज़ों को बटर के साथ अच्छे से मिला लेना है। और अगर आपने बटर को तुरंत ही फ्रिज से निकाला है तो आप उसे माइक्रोवेव कर सकते हैं 8 से 10 सेकंड के लिए। बटर को पूरी तरीके से मेल्ट नहीं करेंगे, बस सॉफ्ट होने तक उसे हम माइक्रोवेव करेंगे। तो ये देखिए, मैंने बटर के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये हमारा चॉकलेट स्प्रेड बन के तैयार हो गया है। चॉकलेट स्प्रेड हमारा ये तैयार हो गया है। उसके बाद जो हमने ये ब्रेड ली है उसके साइडों को हम हटा लेंगे। आप चाहें तो इसे ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैं ब्रेड की साइडों को कट कर लेती हूँ। ब्रेड की साइडों को मैंने कट कर लिया है। उसके बाद जो हमने ये चॉकलेट स्प्रेड तैयार किया है इसे हम ब्रेड पे लगा लेंगे। यहाँ पर जो मैंने चीनी का यूज़ किया है पाउडर शुगर का, वो आप अपनी ज़रूरत के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और भी ज़्यादा इसमें, जैसे मैंने 2 चम्मच ऐड किया है, आप इसकी क्वांटिटी को ज़्यादा कर सकते हैं, 3 चम्मच डाल सकते हैं, जैसा भी आपको मीठा पसंद हो। तो ये देखिए बहुत ही आराम से ये लग भी जा रहा है ब्रेड के ऊपर। ये देखिए मैंने ब्रेड की दोनों स्लाइस पे ये चॉकलेट स्प्रेड लगा लिया है और अब इसे हम कट कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, मैंने इसे कट कर लिया है और ये हमारी चॉकलेट सैंडविच तैयार है। तो अगर आपके पास घर में चॉकलेट नहीं भी है तो फटाफट इस तरीके से आप ये सैंडविच बना सकते हैं, बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा, तो ज़रूर ट्राई कीजिए। और अच्छा लगने पर फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए, कमेंट करके शेयर कीजिए कि रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद।